कोरोना वायरस जिसने पूरे देश में हाहाकार मचाया हुआ है और भारत की राज्य सरकारों को कमर कसने पे मजबूर कर दिया है। कल गुड़गांव के पेटीएम के एक एम्प्लॉई में भी कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। इसी के साथ इंडिया में इस वक्त वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 29 पहुंच गई है। कंपनी ने सभी एम्प्लॉयज को कुछ दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम करने और मेडिकल टेस्ट कराने के लिए बोला है, ताकि अगर ये वायरस बाकी लोगों तक पहुंच गया हो तो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो सके। वहीं सीबीएसई बोर्ड ने कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को देखते हुए 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम हॉल्स में हैंड सैनिटाइजर और मास्क ले जाने की इजाजत दी है। दोस्तों अब बात करते हैं टेम्परेचर गन की। उससे पहले ट्रस्टेड और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थर्मल स्क्रीनिंग, इस शब्द का इस्तेमाल जब से कोरोना वायरस का प्रकोप फैलना शुरू हुआ है अक्सर कानों में पड़ रहा है। आज मैं बताऊंगी थर्मल स्क्रीनिंग वास्तव में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए क्या इफेक्टिव है, या फिर देश के नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए एक डमी एक्सरसाइज है जो दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर सरकारें कर रही हैं। साथ ही वीडियो के एंड में बताऊंगी कि क्यों इस वायरस से हमारी बॉडी का तापमान बढ़ता है। आपको बता दूं कि इंडिया के भी 21 एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग कुछ नहीं, महज एक मशीन है जो आपके बॉडी के तापमान को मापती है। शरीर का तापमान बढ़ना कोरोना वायरस के लक्षणों में से एक है, इसलिए भी वे सभी लोग जिनका तापमान ये मशीन नॉर्मल से ज्यादा बताती है उन्हें एयरपोर्ट से ही अलग क्वारंटाइन कर लिया जाता है। दरअसल जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो जरूरी नहीं है कि उसी समय उसके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा या खांसना छींकना शुरू कर देगा। ये वायरस जब इंसान में एंटर करता है तो इसके सिम्टम्स को बॉडी में शो होने में 2 से 14 दिनों तक का टाइम लग सकता है। तो मान लो अगर कोई इंसान कोरोना वायरस से हाल ही में इन्फेक्टेड हुआ और अभी तक सिम्टम्स शो होने शुरू नहीं हुए हैं, जैसे कि बॉडी का तापमान बढ़ना, तो वो थर्मल स्क्रीनिंग में पकड़ में नहीं आएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी पैसेंजर का तापमान मशीन बढ़ा हुआ बता रही है तो वो किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के कारण से हो सकता है। उस वायरस में इन्फेक्शन कोरोना का ही हो ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए एयरपोर्ट पे जो पकड़े जाने चाहिए वो छूट जाते हैं और नॉन इन्फेक्टेड लोग पकड़ में आ जाते हैं। इस वायरस के संक्रमण की असली जांच लैब में ब्लड टेस्ट या स्वैब यानी कि थ्रोट टेस्ट से ही हो सकती है। उसके लिए जरूरी है उस लैब के पास उस वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस हो, जो कि चाइना ने सभी देशों को पहुंचा दिया है। लेकिन अब करें तो क्या करें, हर एक पैसेंजर का ब्लड टेस्ट लेना भी तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अभी तक स्क्रीनिंग पर ही भरोसा किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स का बताऊं तो 90% कोरोना वायरस इन्फेक्टेड केसेस थर्मल स्क्रीनिंग में पकड़ में नहीं आए थे। पिछले आउटब्रेक जैसे कि 2009 में H1N1, 2003 में SARS और 2014 में इबोला वायरस पर भी एयरपोर्ट स्क्रीनिंग इतनी इफेक्टिव नहीं थी। ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा की जा रही कोशिशों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बस कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजी और इस वायरस की एपिडेमियोलॉजी के अनुसार ये मेथड सभी को पकड़ने में सक्षम नहीं है। अब बताती हूँ कि क्या क्या ड्रॉबैक्स है इस थर्मल स्क्रीनिंग वाले थर्मामीटर के। ये मशीन, जिसको थर्मामीटर गन भी बोल सकते हैं, इसके अंदर है इंफ्रारेड सेंसर्स जो हमारे सरफेस के तापमान को रीड कर लेते हैं बिना स्किन को टच करे। अब दिक्कत यहाँ आती है कि अगर इसको अपने चेहरे से निर्धारित डिस्टेंस से दूर रखें तो टेम्परेचर लो दिखा देगा, थोड़ा पास रखें तो हाई दिखा देगा। एनवायरमेंट का भी इस पर असर होता है। अगर धूल मिट्टी वाली जगह है या कोई व्यक्ति कार में हीटर चला के बैठा है या फिर किसी ने बुखार की दवाई ली हुई है तो इस स्क्रीनिंग से तापमान सही नहीं मापा जाएगा। कोई इंसान अगर ड्रग्स पर हो या फिर अभी अभी एक्सरसाइज करके आया हो तो भी ये मशीन सही तापमान बताने में विफल है। सच बात सामने आई जब चाइना की कंपनी जो ये थर्मामीटर्स बनाती है उसकी रिपोर्ट आई। उसमें उन्होंने क्लियर बताया है कि ये थर्मामीटर्स यूज किए जाते हैं छोटे बच्चों के टेम्परेचर को चेक करने के लिए। ये सिर्फ एक क्विक स्क्रीनिंग का जरिया है। जितने एक्यूरेट ट्रेडिशनल थर्मामीटर्स होते हैं ये उतने एक्यूरेट नहीं है। वायरसेस जब हम पर आक्रमण करते हैं तो क्यों चढ़ता है हमें बुखार? हमारे शरीर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई एलियन वायरस हमारे शरीर में घुस आता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक जंग छिड़ जाती है, और वो जंग होती है इस वायरस को शरीर से बाहर निकालने के लिए, जिसके लिए या तो हम छींकते हैं या फिर हमें खांसी आती है। मोस्टली केसेस में फीवर भी आता है। तापमान इसीलिए बढ़ता है कि अगर कोई वायरस तापमान बढ़ने से मर सकता है तो वो मर जाएगा। आप सोचिए कितना सेल्फ डिफेंसिव है इंसानी शरीर। तो गाइज, इस वायरस से लड़ने के लिए जरूरत है हमें इस वक्त अवेयर रहने की, ताकि हम इसके ट्रांसमिशन को रोक पाएं। उसके लिए आप सभी बचाव के उपचारों को फॉलो करें,
जागरूकता फैलाने के लिए मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।